अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टेलर न्यूज। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब और सिंध में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद और गुजरावाला में भी बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मंडी बहाउद्दीन में बारिश के बायस करंट लगने से मियां बीवी जाम भाग। लाहौर में सुबह सवेरे काली घनघोर घटाएं छा गईं, दिन रात में तब्दील। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। वासा टीमें मुतहरिक, 26 मुकामात पर कैंप। वासा मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। वजीर आला पंजाब का बारिशों के बायस वासा और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही कराची के कई इलाकों में बिजली गायब। गुलशन हदीद, लांढी, मलीर समेत मुतअद्दिद इलाकों में घंटों बिजली गायब। सफोरा गोट, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, सदर गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया में बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा रहा। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 15 शिकार। 24 घंटों में 1808 नए केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 3.84% रही। कराची में शरह 6% से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के 25 से जायद केसेस रिपोर्ट। ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलने का खतरा। सैरो सयाहत पर पाबंदी का इम्कान। सख्त SOP जारी। हिफाजती इकदाम पर अमल दरामद के लिए टीमें तश्कील। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज। NCOC के मुताबिक पहले से नाफिज SOPs पर 9 जुलाई से 18 जुलाई तक सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस और जामियात में तातीलात में तौसी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। तरक्याती मंसूबों पर आइंदा के अहदाफ से आगाह किया जाएगा। इमरान खान मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब इंतजामी और सियासी उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। बिलावल भुट्टो अमरीका पहुंच गए। निजी दौरे पर हूँ, अगली बार सितम्बर में आऊंगा तो गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सहाफियों से बातचीत करने में गुरेज। इमरान खान कश्मीर आकर अपना वक्त जाया ना करें, मरियम नवाज का मशवरा। वादी लीपा में जलसे से खिताब के दौरान मरियम नवाज की हकूमत पर तनकीद। कहती है एक वोट चोर कश्मीर पर नजरें जमाए बैठा है। कश्मीरी अवाम आटा चोरों को पहचान चुके हैं, अब कोई उन्हें वोट नहीं देगा। अपने खिताब में मरियम नवाज ने पाक फौज की तारीफ की। कहती है फौजी जवान अपने घरों से दूर रहकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनको सल्यूट करती हूँ। नवाज शरीफ के दौर में पाक फौज की तनख्वाहों में इजाफा हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने हकूमती वुज़रा को बदउनवान करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरान अवाम को बताएं वो क्या कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला जारी है। केस में करप्शन का इल्जाम नहीं, ना नैब से घबराता हूँ ना मुकदमात से। खुला चैलेंज है कि हमारी करप्शन को साबित करें। टेलर न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहिए, देखते रहिए टेलर न्यूज।